हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भाजपा के दो विधायकों विनोद कुमार और सुरेंद्र शौरी द्वारा नमो अगेन की जैकेट पहनकर आने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब तकरार हुई। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के दौरान ये मामला उठाया और कहा कि कोई भी विधायक सदन के भीतर राजनीतिक एजेंडा लेकर नहीं आ सकता, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। विधानसभा में सत्र के दौरान दो विधायकों द्वारा नमो अगेन की जैकेट पहनकर आने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब तकरार हुई। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोई भी विधायक सदन के भीतर राजनीतिक एजेंडा लेकर नहीं आ सकता, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने इसे सदन की अवमानना भी बताया। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के दो विधायक न केवल नमो अगेन की जैकेट पहनकर सदन में आए, बल्कि एक विधायक ने सदन के भीतर नमो अगेन की जैकेट के साथ फोटो खींचकर उसे फेसबुक पर भी अपलोड किया, जो विधानसभा की परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक सुरेंद्र शौरी हालांकि पहली बार जीतकर सदन में आए हैं, लेकिन विनोद कुमार वरिष्ठ विधायक है और उन्हें सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि विधानसभा नियमावली के तहत कोई भी विधायक किसी दल विशेष का एल्बम लगाकर सदन में नहीं आ सकता, ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने दोनों विधायकों से आग्रह किया है कि वो इस तरह के कपड़े पहनकर सदन में न आए। इस पर सदन में कुछ देर के लिए शोर शराबा भी हुआ। इसी बीच सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के दौरान कांग्रेस की आशा कुमारी ने फसल बीमा योजना को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। उन्होंने कहा कि किसानों से प्रीमियम के नाम पर पैसा तो लिया जा रहा है, लेकिन मुआवजे के रूप में कुछ नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस के मोहनलाल ब्राक्टा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार डेंगू से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने बर्फबारी के कारण शेष विश्व से कटे डोडरा क्वार के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ाने भरने की भी मांग की। कांग्रेस के आशीष बुटेल ने प्रदेश के आगामी वित्त वर्ष के बजट में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रावधान करने और कांगड़ा के चाय उद्योग को विकसित करने के लिए कदम उठाने की मांग की। वहीं राजेंद्र राणा ने भाजपा द्वारा कांग्रेस कार्यकाल में कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट को मुद्दा बनाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस तरह की घटनाएं सभी दलों में होती रहती है, इसलिए इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। भाजपा के सुखराम चौधरी ने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार के गलत फैसलों के कारण प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। विधायक परमजीत सिंह पम्मी, सुरेंद्र शौरी, राकेश जम्वाल, सुरेश कश्यप, कमलेश कुमारी, लखविंद्र राणा, बलवीर वर्मा, राजेंद्र गर्ग और अन्य ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में अधिकारियों के सदन में मौजूद न रहने पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि अफसरशाही ने अराजकता फैला दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अफसरों का अपनी गैलरी में न बैठना सदन की अवमानना है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये सदन की मर्यादा का सवाल है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि अधिकारी अपनी गैलरी में ना भी हो तो भी वे विधानसभा परिसर में अन्य जगह बैठकर सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के नोट बनाते हैं। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सदन में कहा कि वर्ष 2017 में घटित गुड़िया बलात्कार व हत्या मामले में जेल में बंद अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी निर्दोष हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे जेल में बंद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्दोष नहीं कह सकते, लेकिन इनमें से अधिकांश निर्दोष हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।